इसके अंदर से ही रुद्राक्ष निकलती है। इसके अंदर से निकलता है रुद्राक्ष। ये आपका सात मुखी का पैकेट। ओह माय गॉड। क्वांटिटी में सारी चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्ष की मालाएं। ये पांच मुखी में पथरी दाना यहाँ पे इस तरह से इन्होंने कट्टे भर के ही रखे हुए हैं डिस्प्ले में। आपको कितना क्वांटिटी में चाहिए ये सारा क्वांटिटी दे देंगे। एक ऑर्डर के साथ में गिफ्ट भी आ गया, ये देखो, ये स्पेशल ऑफर है परमानेंट कस्टमर। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, और आज करेंगे नेपाल के रुद्राक्ष मार्केट की बात। यस गाइस, तो अभी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ गौरी घाट पे। ये जो नदी और पीछे का जो व्यू देख रहे हैं आप, ये बागमती रिवर है जो कि आगे जाएगी, तो थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो मंदिर आपको दिखेगा यहाँ पे। और ये घाट जो है इसका नाम है गणेश गौरी घाट, राइट। देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है, मंदिर भी है यहाँ पर सामने, गणपति जी का मंदिर है और इधर हनुमान जी का। तो आज मैं आपको एक और रुद्राक्ष वीडियो दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको रिटेल शॉप के बारे में बताया था, इस बार हम बात करेंगे होलसेल शॉप की। हनुमान जी यहाँ पे बैठे हैं, सेना भी यहाँ पे मौजूद है। एक फूल हनुमान दादा के लिए, जय हो बजरंग बली की, और भगवान शंकर के लिए, पशुपतिनाथ जी के लिए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत। हल्की हल्की बारिश हो रही है आज यहाँ काठमांडू में, और बहुत ही अच्छा मौसम भी है यहाँ पे। तो ये गौरी घाट से जब हम लोग इस तरह से यहाँ से बाहर निकलेंगे तो एक रास्ता बॉर्डर है दूसरी तरफ, जो कि सीधा सीधा मंदिर के लिए जाएगी, और उसके अपोजिट साइड में आएगी राजू दाई की दुकान। हम लोग आज राजू दाई की दुकान में ही जा रहे हैं और थोड़ी बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। ये यहाँ पे इस तरह से इन्होंने कट्टे भर के ही रखे हुए हैं डिस्प्ले में। आपको कितना क्वांटिटी में चाहिए ये सारा क्वांटिटी दे देंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्ष की मालाएँ और सब रखी हुई हैं। तो भैया से बात करेंगे आज हम। हेलो भैया, नमस्ते भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू गुप्ता है। अच्छा, मैं काठमांडू नेपाल में, मेरा शॉप है, मेरा पुराना शॉप का नाम गुप्ता रुद्राक्ष मोती माला भंडार है जी, और ये नया शॉप महालक्ष्मी पूजा प्रसाद है। सो रेडी फॉर द जॉय राइड, लेट्स बिगिन। ये क्या है? ये आपका चार मुखी का दाना। ये चार मुखी का दाना है, ये कलेक्टर पीस में सारा। ये आपका, ये सभी आपका चार मुखी 20-21-22 mm का है। 20 से 22 mm का रेंज है ये। तो इसमें साइज़ क्या अलग अलग होता है भैया? हाँ, अलग अलग होता है। इस ये देखिए, इस तरह का जो वैरायटी है, जूम कितना क्लैरिटी में आ रहा है, और दो तीन आपको दिखा देता हूँ। ये चार मुखी का है, ठीक है। और जितना क्वांटिटी में, अगर कितना चाहिए तो आप दिला देंगे सारा क्वांटिटी में, बल्क में ही कम करते हैं। बल्क में ही करते हैं आप, ठीक है भैया, ठीक है। ये पाँच मुखी कलेक्टर पीस, ये तो बहुत ही जम्बो साइज़ है। ये चार मुखी क्या साइज है? ये 30 mm का। 30 mm, अच्छा। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना महंगा हो जाएगा, आपके पास तो पूरा लॉट भरा हुआ है। लॉट है, अच्छा। ये पांच मुखी है, पांच मुखी कलेक्टर पीस जिसको बोलते हैं, मतलब कि साइज इसमें काफी बड़ा है। इसमें आपको पांच मुखी में आपको 24 mm से लेकर 30 mm तक का मिल जाएगा। 24 से 30 mm तक अवेलेबल। इसमें कलेक्टर पे चार मुखी में आपको 20 mm से लेकर 25 mm तक का मिल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। किसी को खरीदना होगा इंडिया से तो क्या करना होगा? इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज करने के बाद उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट, वो मुझे ऑर्डर देंगे, उसके हिसाब से उनको फोटो पठाया जाएगा। बराबर, व्हाट्सएप से मतलब जो है खरीद सकते हैं जी। ये आपका नॉर्मल पाँच मुखी में, ये नॉर्मल पाँच मुखी में, नॉर्मल पाँच मुखी नहीं, ये भी कलेक्टर में ही है, लेकिन कलेक्टर से थोड़ा छोटा है। कलेक्टर से थोड़ा छोटा, जिसमें आपको 23 mm से लेकर 24 mm का साइज मिलेगा। 23-24 mm का साइज है। ये पांच मुखी में पथरी दाना। पथरी दाना, पथरी दाना क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बीट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बीट, ये स्ट्रॉन्ग बीट। ये दीदी इसको यहाँ जो जब जब माले के लिए चौमन दाने का बनाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा अलग लग रहा है, क्वालिटी अलग है। पथरी दाना इसको बोलते हैं, भैया बता रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बीट जिसे माना जाता है वो है ये, और जो माला है चौपन आपका मिलेगा 15 mm से लेके 20 mm साइज, 15-20 की साइज का। और इसमें भी मुखी होता है कि? हाँ, चार मुखी, पांच मुखी, छह मुखी आता है। अच्छा, हाँ हाँ, ये वाला चार मुखी लग रहा है मुझे, ये चार है शायद, यस, चार पाँच छः सारा। ये पत्थरी दाना है जिसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं भैया, ठीक है भैया। क्वान्टिटी जितना मिलेगा चाल लेंगे आप दे देंगे इंडिया में, और इंडिया आपको कुरियर से भेजेंगे। नेपाल का सबसे छोटा बीट, सबसे छोटा बीट नेपाल का, आपका 13 mm से, इसमें 12 mm से लेकर आपका
13 mm तक, 14 mm तक, 12 से 14 का साइज है, थोड़ा प्लस माइनस 1-2 mm होगा, 14 नहीं होगा लेकिन 13 होगा, 13 होगा। हाँ, जिनको थोड़ा छोटा गले में पहनने का है, वो नेपाल का सबसे छोटा दाना, नेपाल का जो वो रेयर पीस होता है, रेयर है। अच्छा, तो ये थोड़ा महंगा भी होगा, रेयर है तो। एक एक दाने के 80 रुपीस पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, 80 रुपया एक दाने का पता रहा। तो माला बनाएंगे तो उस हिसाब से बन जाएगा, बन जाएगा बराबर, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे तो क्या है कि हम आपको एक 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 करके दिखाते रहेंगे। तो ये बाकी सारी चीज़ें पैक करके रख देते हैं। अच्छा, इंडिया में अगर जो कुरियर भेजते हैं तो उसमें क्या चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा लगता है? अगर क्वांटिटी आपका, अगर बल्क में क्वांटिटी लगते हैं, अगर 10,000 से ऊपर का आप खरीदारी करते हैं, कुरियर चार्ज फ्री होगा। अच्छा, 10,000 से ऊपर लेंगे तो कुरियर चार्ज फ्री होगा, लेकिन 10,000 में आपका 1 kg का माल होना चाहिए। हाँ, 1 kg तो kg वाइज चार्ज लगता है। kg वाइज। एक और थैली आ गई है, ये आपका सात मुखी का पैकेट। ओह माय गॉड, क्वांटिटी में, क्वांटिटी में सात मुखी सारे। यस, ये आपका 20 mm से लेकर 23 mm तक का, 20 से 23 mm तक का। ये क्वालिटी है, कैमरा में मैं उसको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ जितना क्लियर आ रहा है आपके पास। सात मुखी का है ये, क्वांटिटी तो आप देख ही रहे हो कि कितना चाहिए आपको सब। ये सात मुखी का छोटा साइज। अच्छा, इसमें 18 से लेकर 20 mm का ये सात मुखी है, ये सारा 18 से 20 mm जो साइज आपको चाहिए उसमें मिल जाएगा आपको। हर सीजन में आपका रेट वेरिएबल होता है। अच्छा, तो कौन से सीजन में ये थोड़ा महंगा और कौन से सीजन में सस्ता? अभी ऑफ सीजन हो गया तो अभी आपका दाना का रेंज अभी थोड़ा हाई हो जाएगा। अच्छा, जैसे सीजन में थोड़ा कम रहता है, सीजन में भी आपका रेट जब शुरू में निकलता है उस समय महंगा होता है। अच्छा, बीच बीच में आपका सब दाना सब निकलने लगता है तो प्राइस रेट कम हो जाती है। बराबर, फिर इसका ऑफ सीजन शुरू होता है इसमें। यह आपका गणेश दाना, गणेश मुखी बोलते हैं वो। ओके, ऐसे इसमें गणेश होते हैं, शुरू होते हैं। तो ये इसमें भी मुखी अलग अलग होता है? हाँ, इसमें भी मुखी अलग होते हैं, इसमें आपको दो मुखी से ही गणेश दाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, दो मुखी में गणेश दाना अलग रेट होंगे, तीन मुखी में गणेश दाना अलग रेट होंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तीन मुखी में गणेश दाना है। तीन मुखी में गणेश है, तीन मुखी में। ये क्या रेट होगा इसका? इसका मिनिमम आपका रेंज तो फिर भी आपको 2000 से ऊपर पड़ेगा, 2000 से ऊपर रहेगा। साइज बड़ा होगा तो और महंगा होगा। देखिए, अस्पष्ट दिखेगा ये वाला पार्ट गणेश है ना, ये वाला गणेश बोलते हैं। अच्छा, और उसमें जो लाइन होगी उस हिसाब से वो ये तीन मुखी है। तीन मुखी हो गया, सभी में तीन मुखी। तो भैया, रेयर जो बोलते हैं वो कौन से होते हैं? ये जैसे पांच मुखी है तो मुझे बहुत दिखते हैं। पांच मुखी आपको प्राय ज़्यादा होता है, जितने भी मुखी होते हैं इसमें पाँच मुखी सबसे ज़्यादा फल होते हैं। इसके बाद आपका जैसे जैसे चार मुखी इसका कम होता जाता है, छः मुखी कम होता है, फिर सात मुखी, इसके बाद तीन मुखी भी आपका कम होते चला जाता है। जो जो क्वांटिटी कम होता है उसका प्राइस टेस्ट अलग अलग हो जाता है। बराबर, ये आपको हम मैंने गणेश दाना देखा है, इसमें भी आपको सभी कलेक्टेड पीस से लेकर अलग अलग पीस मिल जाएंगे। आपको नॉर्मल अभी दिखाए हैं, इसमें कलेक्टेड पीस भी, कलेक्टर पीस भी है इसमें। ये सात मुखी कलेक्टेड पीस, सात मुखी कलेक्टर। अच्छा, ये साइज तो बड़ा लग रहा है सबका। सारे सात मुखी के कलेक्टर दिखा रहे हैं भैया, जो बड़ी साइज के हैं। ओके, तो ये कितने मैक्सिमम साइज है इसमें दादा? 24 से 26 mm। कुछ कुछ इसमें मिक्स हो गया पैकेट, बाकी इसमें छोटा है, बड़ा ही होगा। लॉट है पूरा, ये तो बिग साइज। ये तीन मुखी का कलेक्टर पीस। अच्छा, ये आपका मिलेगा 20 mm से लेकर 25 mm तक का साइज। अच्छा अच्छा, अभी हमारे इसमें साइज में आपको 24 mm तक का साइज है। बहुत बड़ा है ये, बहुत नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है नॉर्मल। हाँ, ये देखिए, ये नॉर्मल तीन मुखी है।
और एक कलेक्टर पीस है, राइट। सो यू कैन सी दिस साइज डिफरेंस। तो कलेक्टर पीस का तो कोई रेट फिक्स होता नहीं है, हर एक रेट जो है उसका साइज के हिसाब से होगा, जहाँ तक मुझे पता है। एक साइज होगा, एक दो तीन साइज होगा, एक इससे छोटी, और छोटी साइज भी दिखा दीजिए आप इनको। सबसे छोटे साइज तीन थे, ये सबसे छोटा साइज, ये मीडियम साइज, मीडियम साइज, बिग साइज, एक कलेक्टर पीस, ये कलेक्टर पीस। सारा वैरायटी मिलेगा, सारा कलेक्शन के लिए आपको जो है, अगर एक दो पीस जो चाहिए बड़ी साइज का अच्छा, तो वो भी भैया प्रोवाइड करा देंगे। और हमारे व्यूवर्स जो हैं उन सबको ये इंडिया कूरियर जाएगा डिलीवर। यही बात हुआ है भैया से, और इसी बात से जो है मैंने वीडियो बनाया है कि अगर वीडियो देखने के बाद अगर कोई खरीदना चाहेगा तो आप उसको इंडिया भेजोगे कि नहीं? डायरेक्ट इंडिया, हमारा कूरियर यहाँ से जाएगा DTDC से वाया पटना होते हुए, वाया पटना होते हुए DTDC से डायरेक्ट घर जाएगा। ये परमानेंट पैसेंजर के व्यूअर्स के लिए खास फैसिलिटी है। DTDC आपका सिटी एरिया में जिसका होगा सभी का होगा, सभी का आउट एरिया होगा तो इसके लिए टाइम लगेगा, दूसरे कुरियर से जाएगा। ओके, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी अगर आप राजू दाई को ऑर्डर देते हैं, इनसे खरीदते हैं कुछ भी, वीडियो के नीचे ऐसे नंबर लेंगे के साथ सभी को पांच मुखी दाना आपको फ्री में जाएगा। एक ऑर्डर के साथ में गिफ्ट भी आ गया, ये देखो, ये स्पेशल ऑफर है परमानेंट पैसेंजर के लिए। पांच मुखी का एक दाना आपको फ्री गिफ्ट में भैया भेज रहे हैं, और कुरियर तो इंडिया में आ ही रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है भैया, एक बार इनको बताओ। ये बेल घंटी बजाना है ये। चलिए फिर आगे की बात करते हैं, कुछ और चीज़ें आ रही है हमारे पास यहाँ पे। थैंक यू दीदी। ये रुद्राक्ष फ्रूट है, रुद्राक्ष का फ्रूट है, ठीक है। इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलती है, इसके अंदर से निकलता है रुद्राक्ष। अच्छा, ऐसा होता है फ्रूट मतलब रुद्राक्ष का। ये आपका पांचमुखी का रुद्राक्ष है। अच्छा, सभी अलग लिंक लेंगे। इसको पानी में भिगो के रखते हैं, इस सीजन ऑफ हो गया है। हाँ। इसके लिए अभी इसको पानी में डालने के बाद ये निकलेंगे। तो ये हरा हरा होता है पेड़ पे तो? हाँ, ये हरा होने के बाद ये ब्लू होता है, ब्लू होने के बाद लगता है ये पक गया, जैसे ये ब्लू दिख रहा है। सूखने के बाद मतलब ये कलर आ जाता है। हाँ। इसमें डार्क कलर, डार्क ब्लू आ जाता है। ये ब्लैक नहीं है, ब्लू है। अच्छा, ब्लू है। मुझे तो समझ में हल्का हल्का ब्लैकिश लगा, ये ब्लू है। अच्छा, डार्क ब्लू, ब्लू शेड है, डार्क ब्लू। एक्चुअल में जो करंट है वो सही चीज तो ये है, हमको देखने से ब्लैक लगता है। केजी के हिसाब से ले सकते हैं, पीस के हिसाब से लेते हैं। आपको सिंगल पीस चाहिए तो हम इंडिया में बैठा दिए हुए हैं इनके हार्दिक भाई से, इनके संग वहाँ से आप एक एक दाना मंगा सकते हैं। यस, एक सिंगल पीस के लिए अगर आप ये खरीदेंगे तो 500 रुपये का कुरियर ही आपको महंगा पड़ेगा। तो भैया से मैंने एक ये भी डील किया है कि यहाँ से कुछ 4-5 kg मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कुछ टेस्ट के लिए चाहिए कि हाँ नहीं, एक बार खरीद के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा क्या चीज़ आता है, तो ये आपको डायरेक्ट हम इंडिया में मैं ही आपको कुरियर कर दूंगा। उसमें कुरियर चार्ज बहुत कम लगता है, इंडिया में तो 70-80 रुपये में कुरियर हो जाएगा। इसमें आपको मिनिमम 4 मुखी से लेकर 7 मुखी तक निकल जाएंगे। यस, ये निकलेगा, बाकी भी निकलेगा, लेकिन वो बहुत कम चांस होगा, ठीक है। 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी निकलने के चांस, ये चांसेस ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये पैक फ्रूट है तो मुझे ही नहीं पता है कि इसके अंदर से कितना मुखी है, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि इस दाने में क्या मुखी है, तो मैं कैसे बताऊँगा। तो ये चीज़ आप देख के समझिए, आपको फ्रूट दे रहे हैं ओरिजिनल, असली होगा क्या ऐसा मत पूछिए। ये फ्रूट है, ये घर में नहीं बनता है, ये मशीन में नहीं बन सकता, ठीक है। ये प्लांट से आई हुई चीज़ है, तो ये असली ही होता है, यही असली है, और यही नेपाल से आ रहा है सीधा आपके पास इंडिया में, ठीक है भैया। अब इससे बड़े मुखी दिखाता हूँ, अब बड़े मुखी पे आएंगे कुछ।